नमस्कार, मैं निर्मा बिश्नोई, न्यू रेसिपी रसोई चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। रसोई में आज बन रहे हैं गोंद के लड्डू। ठंडी में गोंद के लड्डू जरूर खाएं। लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नारियल कद्दूकस कर लेंगे। 250 ग्राम ये खोया है, ये भी कद्दूकस कर लेंगे। ये फीका मावा मैंने घर पे बनाया है, इसका भी वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगी। ये मावा मैंने फ्रीज में रख दिया था। और ये एक जायफल है, इसे भी कद्दूकस कर लेंगे। ये जायफल गरम मसाले में आता है, आप जायफल की जगह काली मिर्च डाल सकते हो। 100 ग्राम गोंद कूट लेंगे, बाकी का मिक्सी में पीस लेंगे। कढ़ाई में एक छोटा चम्मच घी डाल के ये खसखस को भून लेंगे। खसखस को हल्का फ्राई करना है। अब एक कटोरी में निकाल देंगे। एक चम्मच घी डाल के काजू भी भून लेंगे। काजू हल्के सुनहरे हो गए, सारे काजू निकाल देते हैं। मैं आधे काजू मिक्सी में पीस लूंगी दरदरा, और आधे काट के डालूंगी लड्डू में। अब इसी घी में बादाम भी भून लेंगे। एक मिनट तक बादाम भी अच्छे से भून जाएगी। बादाम हल्की सुनहरी हो गई है, अब इसे भी कटोरी में निकाल देते हैं। बच्चे अगर बादाम खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप मिक्सी में बारीक पीस के लड्डू में डाल सकते हैं। आधी बादाम पीस लूंगी और आधी काट के डाल दूंगी। ये 50 ग्राम खसखस है। घी हम अपनी जरूरत के हिसाब से लेंगे। और एक ये नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया है, और ये जायफल और ये ड्राई फ्रूट पीस लिए मैंने, दरदरे पीस के रख दिए। और ये कद्दूकस किया हुआ मावा, और ये खोया आपके पास नहीं है तो आप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार खोया और नारियल कम ज्यादा कर सकते हो। ये 100 ग्राम गोंद दरदरा कूट लिया है, बाकी का गोंद मैंने एकदम बारीक मिक्सी से पीस लिया। और ये आधा किलो गेहूं का आटा लिया है। आप कढ़ाई में 300 ग्राम घी डाल के अच्छे से गर्म कर लेंगे। गोंद थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ डालेंगे तो सारा गोंद चिपक जाएगा। गैस की फ्लेम को बीच बीच में धीरे करते रहना है। गैस की फ्लेम तेज होगी तो गोंद जल जाएगा। इसी तरह सारा गोंद फुला लेंगे। गोंद के लड्डू खाने से दिल के दौरे नहीं पड़ते और मुंह के छाले भी ठीक होते हैं। हम इसी कढ़ाई में थोड़ा घी और डालेंगे। आधा केजी आटे के लिए 400 ग्राम घी चाहिए। अब आटे को अच्छे से सेकेंगे। अब लगातार चलाना है ताकि आटा कढ़ाई के चिपके नहीं, एकदम हलवे की तरह पकाएंगे। अच्छा सुनहरा कलर हो तब तक पकाते रहना है। आटा ही कलर चेंज हो गया है, पकाने में हमें 10 मिनट लगे थे। अब इसमें एक चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी से लड्डू एकदम पीले बनेंगे। हल्दी के फायदे तो अनगिनत हैं, इसी बहाने बच्चे हल्दी के लड्डू भी खा लेंगे। अभी गैस बंद कर देंगे। गोंद की तासीर गर्म होने की वजह से लड्डू खास करके ठंडियों में बनाए जाते हैं।
अब इसमें ये सारा मावा डाल देंगे। आटा गरम है, मावा हल्का पक जाएगा। गोंद के लड्डू से खून भी फिल्टर होगा। रोज का एक लड्डू जरूर खाएं। ड्राई फ्रूट आप अपने मन पसंद के ले सकते हैं और क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। 300 ग्राम गोंद मैंने पीस के लिया था और 100 ग्राम गोंद फुला लिया था। आप गोंद भी कम ज़्यादा ले सकते हैं। आटे को बड़े बर्तन में ले लेंगे। आपको अगर धनिया के लड्डू पसंद है तो बारीक पीसा हुआ धनिया भी डाल सकते हो। खोया को राजस्थान में मावा बोला जाता है। आपके साइड खोया को क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। मीठे में मैंने बूरा लिया है, आप गुड़ खांड ले सकते हो। बूरे को राजस्थान में देसी शक्कर बोला जाता है। अब हम सारे आइटम मिक्स करेंगे। ये एक कद्दूकस किया हुआ नारियल ले लिया और ये थोड़े काजू के टुकड़े और ये बारीक कटी हुई बादाम, 5 ददरी कुटी हुई इलायची, 50 ग्राम लेंगे खसखस, पॉपी सीड्स। बच्चे अगर ड्राई फ्रूट खाना पसंद नहीं करते तो मिक्सी में बारीक पीस ले। और ये दरदरी पीसी हुई बादाम, काजू भी दरदरे पीस लिए। तीन सौ ग्राम बारीक पीसा हुआ गोंद लिया है। गोंद के लड्डू बना रहे हैं तो गोंद थोड़ा ज्यादा लिया है। 100 ग्राम गोंद हमने फुला के लिया था। अब आधा केजी लेंगे देसी शक्कर। मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा ले सकते हो। एक जायफल का पाउडर, ये आप जायफल की जगह 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ले सकते हो। ये गोंद के लड्डू बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा घी और डालूंगी मैं इसमें और फूला हुआ गोंद डाल के मिक्स कर लेंगे। घी आप अपनी खुराक के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। चम्मच की सहायता से एक ही साइज के लड्डू बनाएंगे। आप अपनी खुराक के हिसाब से छोटा बड़ा लड्डू बना सकते हो। इसी तरह सारे लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाने की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज घंटी वाला बटन दबाइए ताकि एक और नई रेसिपी आप तक पहुंच पाए। सारे लड्डू बनके तैयार हैं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।